हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और मैंने उसके हर एक चीज़ें आप लोगों ने भी पढ़ा, उसके बेसिक से लेके हर चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण जानने के प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत से क्या मिले, और इसमें भूकंपीय तरंगों का क्या रोल है, भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार के हैं, क्या भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना जा सकता है, इन सभी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर हम लोगों लास्ट में एक निष्कर्ष निकला था कि वास्तव में पृथ्वी की गहराई में तीन प्रकार की परतें हो सकती हैं, क्योंकि उसके जो तरंगे थी, तरंगे की गति के आधार पर, तरंगे के अंदर जाने के आधार पर हम लोगों ने यह देखा कि तरंगों का जो विचलन होता है, जो अपनी दिशाएं बदलती हैं, वो तीन जगह चेंज करती हैं। इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया था, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, उसके नाम थे क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर और आगे अगर हम लोगों ने देखा था, फिर और आगे हम लोगों ने यह पढ़ा था कि रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर, रासायनिक क्रिया के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी तीन भागों में बांटा था ऑस्ट्रेलिया के श्रेष्ठ मौसम में, वो कौन थे, सियाल सीमा और निफे। इन सभी की हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल में, वह उन्हीं परतों के बारे में पुनः पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने जाना है, तो पहले हिंडा लेके हम लोग तो क्रमशः उन तीनों परतों के बारे में हम लोग लिखते हैं। पहले हिंडा लेगा क्रस्ट, जिसे कहते हैं भू परपटी, क्रस्ट या भू परपटी, इसके बारे में लिखिएगा। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी, जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर, कोष्ठक में एवरेज मतलब औसत मोटाई या औसत गहराई 30 किलोमीटर, औसत मोटाई औसत गहराई 30 किलोमीटर है, ठीक। आगे लिखिएगा, पूरे पृथ्वी का सबसे कम घनत्व वाली परत, पूरे पृथ्वी का सबसे कम घनत्व वाली परत क्रस्ट ही है, परत का निर्माण मुख्य रूप से, इस परत का निर्माण मुख्य रूप से सियाल और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सियाल लिखेगा, सियाल लिखने के बाद सियाल पोस्टर में लिखेगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ, इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं, इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं, इसलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। घनत्व के आधार पर इस परत को भी दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों का विभाजित किया गया, परत के आधार पर, घनत्व के आधार पर इसको दो परत में विभाजित किया गया, इसको दो परतों में विभाजित किया गया, पहला ऊपरी परत अपर क्रस्ट या बाह्य परत, अपर क्रस्ट, क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, एक पहले डालिएगा अपर क्रस्ट। यह पृथ्वी का तथा इस परत का ऊपरी भाग है, जिसकी मोटाई, जिसकी मोटाई लगभग 25 किलोमीटर है, जिसकी मोटाई लगभग 25 किलोमीटर है,
इस परत से मुख्य रूप से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, या महाद्वीपों का निर्माण करती है। इस परत से मुख्य रूप से महाद्वीपों का निर्माण करती है, ठीक। या इस परत से महाद्वीपों का निर्माण होता है, निर्माण करती है, ठीक। इस परत या यह परत या परत यह परत मुख्य रूप से ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है, मुख्य रूप से ग्रेनाइट के चट्टानों से बना हुआ है, मुख्य रूप से ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। इस परत का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यहां से कितने प्रमुख पॉइंट मिले। पहला मिला इस परत या जो परत है ये सबसे ऊपर का परत है और क्रस्ट का भी सबसे ऊपर का परत है। इसे बाहरी पर भूपरपट्टी या बाह्य भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं, इसे अपर क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई अगर पृथ्वी के ऊपर से देखें तो 0 से 25 किलोमीटर तक है। इस परत से मुख्य रूप से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, या इस परत पे प्रमुख रूप से महाद्वीप स्थित तथा इस परत में चट्टान देखा जाए तो प्रमुख जो चट्टान है वो ग्रेनाइट। इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपर का भाग है, इस पर मानव जीवन निवास करता है, ठीक। अब अगला लिखिएगा लोअर क्रस्ट, निचली भूपरपट्टी या आंतरिक भूपरपट्टी। यह परत 25 से 35 किलोमीटर के मध्य है, 25 से 35 किलोमीटर के मध्य है। और इस परत से मुख्य रूप से महासागरों के तल का निर्माण होता है, महासागरों के तल का निर्माण होता है। इस परत में प्रमुख रूप से बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। इसका औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। औसत इसका 30 है, ठीक। ठीक, अब यह दोनों परत अलग कहां से होते हैं, यह दोनों परत अलग कहां से होते हैं, लिख लीजिएगा। क्रस्ट और मेंटल को देखिए, इसे यहां तक नहीं, इसको मत लिखिए, यह दोनों लिखे बहुत अंदर डीप हो जाएगा। अब जान लीजिए, अब जैसे लिखिएगा इसके बाद क्रस्ट होते, इसके बाद शुरू होगा मेंटल, ठीक। तो लिखे लाइन लिखिएगा, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली संक्रमण परत को मोहोरोविक मोहोरोविक असंबद्धता मोहोरोविक असंबद्धता
असंबद्धता। कहते हैं मोहोरोविद डिसकॉन्टिन्यूटी, कहते हैं ठीक। अब अभी डालेगा मेंटल, मेंटल को मेंटल ही कहते हैं। इस समझ में आ गया ना? इसको हम लोगों ने क्या लिखा कि क्रस्ट की मोटाई, वैसे औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है, लेकिन वैसे 0 से 45 किलोमीटर है। यह प्रमुख रूप से सियाल सियाल कहलाता है, क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जो हल्के पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे सियाल कहते हैं ठीक। यह इस पर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यदि पृथ्वी की तुलना एक सेब से करें तो सेब का छिलका जितना मोटा होता है उतना मोटा क्या होता है इसका क्रस्ट का ऊपरी भाग या क्रस्ट होता है ठीक। इसे अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में डिवाइड किया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट की जो मोटाई है वह 0 से 25 किलोमीटर है, और इस पर जो निर्माण हुआ है एकदम महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और यह ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका जो औसत घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। अब आते हैं लोअर क्रस्ट, यह 25 से 35 किलोमीटर है। इस पर महासागरों के तलों का निर्माण हुआ है ठीक, और इसमें विशाल चट्टानें पाई जाती हैं, और 3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब इसका घनत्व है। और यहाँ से यह हो गया क्रस्ट, क्रस्ट से अलग होती है मेंटल, मेंटल को अलग अलग मोहोरोविक असंबद्धता ठीक, इसे मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अगर हिंदा लेंगे आप लोग मेंटल, मेंटल क्या है देखिए, जो अगर परत के दृष्टिकोण देखा जाए तो उसके नीचे पाया जाता है इसके क्रस्ट पे। इसकी मोटाई कितनी है 30 से 29 है, लेकिन इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, जैसे ये हो गया मेंटल। मेंटल अब भिंड डालिएगा, हम इस तरह से समझाते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी की दूसरी परत है, ये पृथ्वी के नीचे की दूसरी परत है, जिसकी मोटाई 3500 से 2900 किलोमीटर, 3500 से 2900 किलोमीटर है। इस परत का सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर हुआ है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। ठीक, अध्ययन के दृष्टिकोण से भी इसे दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, माने बाह्य मेंटल आंतरिक मेंटल, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। एक साथ लिखिएगा, अगर मतलब एक ही लिखे सुना, जहां अपर मेंटल की मोटाई ऐसे 30 होता है, पैदल लिखते 35 से 700 किलोमीटर है, अच्छा 30 से 700 होता है, 35 से 700 किलोमीटर है, तथा लोअर मेंटल की मोटाई 700 से 2900 किलोमीटर है, 35 से 700 किलोमीटर, 700 से 2900 किलोमीटर है। पूरे मेंटल का औसत घनत्व 4.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। इस परत का निर्माण प्रमुख रूप से
पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, पेरिडो, पेरिडोटाइट, टाइट से हुआ। पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान तथा आयतन, मास तथा वैल्यू, द्रव्यमान तथा आयतन इसी परत में पाया जाता है। इस परत में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में लिक्विड फॉर्म, द्रव अवस्था, सॉलिड लिक्विड होता है, इसे डामर जैसा। अभी ग्लास पानी लीजिए, इसको पलट दीजिए, पानी पूरा गिर जाएगा, ठीक। लेकिन तेल रखिए, तेल कुछ हिस्सा रुका रह जाएगा। डामर रात को गिरा दीजिए, सुबह तक थोड़ा सा बाहर निकलेगा, मतलब सॉलिड लिक्विड से, ठीक है, सॉलिड लिक्विड ग्रुप में। आगे लिखिएगा, डामर से सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, डामर कहते हैं ना। उसी को डामर कहते हैं। हे, और एक लाइन नीचे लिखिएगा, मेंटल और कोर को अलग करने वाली संक्रमण परत जो है, उसे गुटेनबर्ग, असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जो मेंटल की मोटाई होती है, वैसे तो अगर एनसीईआरटी किताबें देखेंगे 30 से 29 किलोमीटर तक होती है, लेकिन आप हमने 35 पहले लिख दिया, इसलिए 35 को आधार मानकर चलते हैं। यह 35 से कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक, ठीक। और ये इसे सीमा कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जो सियाल से थोड़े भारी है, इसलिए उसके ये नीचे पाए जाते हैं, ठीक। और इस परत को दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की जो मोटाई है वह 35 से 700 किलोमीटर है, और लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर, ठीक। इस परत का जो औसत घनत्व है वो 4.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, और यह जो चट्टान है पेरिडोटाइट चट्टान से मिलकर ये बनी है। और इस परत की खासियत है, इस परत में पूरे पृथ्वी का सबसे ज्यादा द्रव्यमान, सबसे ज्यादा आयतन होता है, और 200 से 300 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद, अंदर जाने के बाद ये कैसा होता है, द्रव अवस्था मिलता है, कैसा द्रव, सॉलिड द्रव के रूप में, ठीक। क्योंकि वहां पे जाने के बाद एक तरंगे गायब हो जाती है, इसका आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। और फिर हम देखते हैं कि मेंटल से क्या अलग होता है, कोर यहाँ से अलग होता है, सॉरी हाँ, मेंटल से कोर अलग होता है, उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक। अगला लिखिएगा कोर, समझ में आ गया, चलिए ये भी लिखते चलिए, किस तरह से बना रहे हैं डायग्राम, याद करने में आसानी होगी, मैं चलिए डायग्राम बनाते चल रहा हूँ, ये एक बार देखें दोनों अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक, इसलिए इसको बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक। आप लोग इसकी शॉर्ट रख लीजिएगा, इसकी
कि वो नोट्स भी लिखते चलेंगे, जैसे ही देखेंगे अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। वो थियरी है उसका, इसे मैथ का ट्रिक होता है, उसी तरह इसको हम बनाते हुए चल। अब देखिए कोर जो होता है, कोर की जो मोटाई है वह 2900 से लेके 3700 किलोमीटर तक है। और प्रश्न भी पूछता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, और मैंने बताया था पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आप लोग बताइएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो लिखेंगे हम लोग पहले कोर, ठीक, और इसकी जो मोटाई है वह है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। इसे भी दो भाग में डिवाइड कर लेते हम लोग, ठीक। ये हो जाएगा पहले अपन अपन कोर, ये हो जाएगा कोर, ठीक। इसमें लिखते दो हो गया, अब लिखिएगा या इसे हिंदी में क्रोड कहते हैं। क्रोड पृथ्वी का सबसे अंतरिम भाग है, सबसे गहराई वाला हिस्सा है, ठीक ठीक, सबसे अंतरिम भाग, सबसे अंतरिम हिस्सा है, जिसकी मोटाई 2900 से लेके 6371 किलोमीटर है। 2900 से लेके 6371 किलोमीटर है, 2900 से लेके 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की सबसे ज्यादा घनत्व वाली, पृथ्वी की सबसे ज्यादा घनत्व वाली यही परत है। कौन सी परत? क्रोड है, लिखते चलिए। सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत है, ये पूछता है। और इस बार सीटेड अपर में क्वेश्चन यहां से था, अपर प्राइमरी में, सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत यही है या क्रोड है, जिसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। लगभग यह परत सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत है, और इसका औसत घनत्व, औसत नहीं, इसका लगभग घनत्व, इसका लगभग घनत्व 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। इस परत का निर्माण निकिल और फेरक, निकिल और फेरस से हुए, फेरस माने लोहा, फेरस माने लोहा, निकिल और फेरस, फेरस माने लोहा, ये भारी पदार्थों से मिलकर बने हैं। इस परत को नीफे भी कहते हैं, और इस परत को नीफे भी कहते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में बांटा गया, अध्ययन के दृष्टिकोण से इस परत को दो भागों में बांटा गया, अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर की मोटाई 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक है। अपर कोर की मोटाई 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी की एकमात्र ऐसी परत है, यह पृथ्वी की एकमात्र ऐसी परत है, कौन? अपर कोर, जो पूरी तरह से द्रव अवस्था में है। वहां लोगों ने पढ़ा था केवल 100 से 200 किलोमीटर तक, ठीक, और ये क्या है, ये पूरी तरह से द्रव अवस्था में, द्रव लिक्विड, द्रव अवस्था में है। ठीक, अधिक तापमान के कारण, यहां पे तापमान में ज्यादा है, अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण यहां पर आवेशित कणों का निर्माण होता है। आवेशित कणों का निर्माण होता है, जिस कारण यहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस कारण यहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस कारण यहां पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यही यही
पृथ्वी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है। यही पृथ्वी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है। अगला लिखेंगे लोअर, इसे आंतरिक क्रोड भी कहते हैं। इसकी मोटाई 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर है। अत्यधिक दाब के कारण ठोस अवस्था में, कारण यह परत ठोस अवस्था में, अत्यधिक दाब के कारण यह परत ठोस अवस्था में है, अत्यधिक दाब के कारण यह परत ठोस अवस्था में है, अत्यधिक दाब के कारण यह परत ठोस अवस्था में है, यह परत ठोस अवस्था में है। इस परत का घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द अर्थ, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द अर्थ माने पूरे पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व वाली यही परत है। पूरे पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत कौन सी है? लोअर कोर या अपर? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक, बस और कुछ लिखना जरूरी नहीं इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको लिख लीजिएगा। हम लोगों ने लिखा क्रस्ट और मेंटल के बीच जो परत का विभाजन होता है किससे होता है, अभी कुछ देर पहले लिखा था, मुंह होकर किया था, क्या याद है आप लोग को? इससे अलग से नहीं लिखवाएंगे। हाँ ठीक, मोहर ऑफ डिसकॉन्टिनिटी आगे लिखिएगा। आपने लिखा मेंटल कोर के मध्य गुटेनबर्ग, अच्छा एक और लिख लीजिएगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, नीचे लिखिए पॉइंट बना के, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य कोनार्ड और लोअर क्रस्ट के मध्य अलग करती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है, मध्य लिख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप। डैश देख के लिखिएगा कोनार्ड असंबद्धता, मतलब जो दोनों को अलग करता हो, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, कोनार्ड असंबद्धता। ठीक, अब लिखिएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता पूरा डायग्राम बना के समझा देंगे, क्षेत्र डिसकॉन्टिन्यूटी नाम है पूरा, ठीक असंबद्धता क्षेत्र का नाम है जहां से अलग होते हैं, और जो पहला नाम है वैज्ञानिक का नाम है, ठीक जिस वैज्ञानिक ने खोज किया है। फिर लिखिएगा आउटर कोर या इनर कोर या अपर कोर या लोअर कोर के मध्य, अपर कोर और लोअर कोर के मध्य लेहमन, लेहमन अपर कोर और लोअर कोर, लेहमन असंबद्धता, लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, चलिए अब इसी को पहले
पूरा डायग्राम समझ लेते हैं। पहले हमने क्या देखा, ये क्रोड अपर क्रोड लोअर क्रोड ये कहाँ से अलग, लेहमन सभ्यता से दोनों अलग होते हैं। और ये नीफे है, ये 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई है। नीफे निकेल और फेरस से मिलकर बना है, जो भारी पदार्थ। इसका मतलब ये क्या है, इसका भाग ठोस अवस्था में, इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है। पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा है, वो क्रोड है। उसमें भी ये इसका जो लगभग घनत्व है वो 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। उसको दो भाग में अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर की मोटाई 2900 से लेकर 550 किलोमीटर। यह पृथ्वी की मात्रा ऐसी बात है जो पूरी तरह से द्रव अवस्था में है। और अपर कोर फिर यहाँ पे अधिक तापमान के कारण यहाँ पे क्या होता है, आवेशित कणों का जन्म या उत्पन्न होती है, जिस कारण पूरे पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जन्म होता है। फिर आते हैं लोअर कोर, इसकी मोटाई 2950 से 6371 किलोमीटर है। और पृथ्वी की त्रिज्या भी 6371 किलोमीटर। दाब के कारण यह ठोस अवस्था में रहता है। इसका जो घनत्व है 11-13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक, अब दोनों अलग कहां से होते हैं, विनायक लेहमन असंबद्धता। अब हम इसको पृथ्वी की एक त्रिज्या काट कर अलग करते हैं, उसी आधार पर हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। 6371 यह हमारा हो गया, ये पृथ्वी का हमने एक त्रिज्या काटा। सर ये कहां से काट के लाए हैं, अब भी पूछेंगे। जैसे होगी हमारी पूरी, ठीक, यहां से ये पूरी पृथ्वी हो गई। यहां से यह हिस्सा मैंने तो मैंने बताया, यह हिस्सा मैंने काट के यहां किया। तो यहां से लेकर यहां तक कितना, 6371 किलोमीटर यहां हमने बांट दिया। इसका नाम है क्रस्ट। इसका नाम क्या है, क्रस्ट। ये हो गया पूरा, ये है 0 से 35 किलोमीटर। ठीक, इसका नाम क्या है, क्रस्ट। यहां से दो क्रस्ट होंगे, अपर क्रस्ट और ठीक। अपर क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, लोअर क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। अपर क्रस्ट की जो मोटाई है 0 से 25, देखिए जो भी मोटाई लिखे किलोमीटर लिख रहा है, ठीक। और यह है 25 से 35, ठीक। जो भी मोटाई लिखेंगे वो हम किसमें लिखेंगे, किलोमीटर में लिखेंगे। सारी मोटाई किसमें लिखेंगे, हम किलोमीटर में लिखेंगे। ये अपर कोर और लोअर कोर, अब हमने कुछ देर पहले लिखा था कि अपर कोर और लोअर कोर किससे अलग होते हैं, इसका क्या, इस असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है। अपर कोर लोअर कोर देख लीजिए, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, कोना यहां पर लिखेंगे हम लोग, कोना यहाँ पे जो परत है वो कौन सा है, कोणार असंबद्धता। असम लिख देते हैं, कोणार असंबद्धता। ठीक, ये अलग इतिहास होते हैं, कौन अपर कोर और लोअर। ठीक, इसके बाकी मोटाई तो पता ही है। अब नीचे आता है मेंटल। मेंटल मोटाई कितनी है, 35 से लेकर 2900 किलोमीटर। ठीक, सारी मोटाई किलोमीटर में रहेंगी मेंटल। यही से देखिए अलग हो जाएगा, ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। अपर मेंटल की मोटाई कितनी है, 3500 से लेकर 700 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितनी है, 700 से लेकर 2900। अब एक दो बातें और हम लोग को मिलेंगी, क्रस्ट और मेंटल कहां से अलग होते हैं, ये होते हैं मोरोविक असंबद्धता।
ठीक, ये कहां से, ये दो, ये दोनों अलग होते हैं मोहर असमर्थता, किससे अलग होते हैं, क्रस्ट और मेंटल से। ठीक, इसकी घर तो इसके बारे में पढ़ ही लिए हैं। फिर आते हैं हम लोग अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करते हैं। ठीक, बाह्य आंतरिक। ठीक, तो बाह्य और आंतरिक मेंटल किससे अलग होते हैं, रेप्टिक, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। असमर्थता, इसके नीचे बढ़ते हैं तो इसकी मोटाई भी बनती है 2900 से लेकर 5100 भी दो भागों में अपर कोर और लोअर कोर। ये जो हाथ दोनों अलग है तो उसे क्या कहते हैं, यहां से ये मेंटल और कोर, ये है इसे कहते हैं। इसकी मोटाई है आपकी 2900 से लेकर 5150, नीचे है 5150 से 6300 का। यहाँ दोनों अलग होते हैं, नहीं ले। क्रस्ट में भी होगा अपर क्रस्ट, जो लोअर क्रस्ट। देख लीजिएगा इसकी शॉर्ट रखना चाहे रख ले, नहीं तो अब हम एक बार पढ़ते चल रहे हैं, समझ लीजिएगा। ठीक, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है इसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्रस्ट की मोटाई है 0 से 35 किलोमीटर और अपर क्रस्ट की मोटाई है 0 से 25, लोअर क्रस्ट है 25 से 35 किलोमीटर। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कोणार्ध असंबद्धता से डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं। फिर आता है मेंटल। मेंटल की मोटाई कितनी है, 35 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच है। ठीक, मेंटल को दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल लोअर मेंटल। अब आते हैं क्रस्ट और मेंटल जहां से अलग होते हैं उसे कहते हैं मोहरोविक असंबद्धता, मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, अब आते हैं मेंटल की बात करते हैं। मेंटल को दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। मेंटल की मोटाई 3500 से लेकर 2900 किलोमीटर है। अपर मेंटल की मोटाई जो है वह 3500 से लेकर 700 किलोमीटर तक है और लोअर मेंटल की मोटाई कितनी, 700 से लेकर 2900 किलोमीटर। इसे बांटा गया रेप्टिक असंबद्धता या रेपिटी असमर्थता या रेपिटी डिसकंटिन्यूटी से अलग किया गया है। अब आते हैं क्रोड की बात करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं क्रस्ट और मेंटल जहां अलग होते हैं उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, गुटेनबर्ग असमर्थता कहते हैं।
ठीक। अब इसकी जो कोर की कुल मोटाई है वह 2900 से लेकर 6373 किलोमीटर, जो पृथ्वी की त्रिज्या भी है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर की कोर की जो मोटाई है वह 2900 से लेकर 1450 किलोमीटर है, ठीक। लोअर कोर जो लोअर कोर है उसकी मोटाई है 1450 से 6371 किलोमीटर। यह लेहमन डिस्कंटिन्यूटी या लेहमन असमता से क्षेत्र से अलग होता है, बाकी इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक। यहाँ से कोई प्रश्न अगर आपको जन्म ले रहा हूँ मन में तो आप बताएं, थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे, कारण क्या है रिपीट कर लो, इसे आराम आराम से भी पढ़ा जाए, ठीक। अब थोड़ा दो तीन लाइन और लिख लीजिए इसके नीचे, खत्म हो जाए इससे संबंधित। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 2 स्केलों का प्रयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 2 स्केलों का प्रयोग किया जाता है। दो स्केलों का प्रयोग किया जाता है, पहला रिएक्टर स्केल, इसके बारे में लिखिएगा, इस मापन के आधार पर या इस स्केल के आधार पर या इस स्केल के आधार पर या माध्यम से या इस स्केल के माध्यम से, इस स्केल के माध्यम से भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है अथवा दर्शाया जाता है, अथवा दर्शाया जाता है यह एक मात्रात्मक स्केल, यह एक मात्रात्मक स्केल है, पैराग्राफ इसके लिखिएगा, यह एक लघुगणक स्केल है। अतः इस स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1 इकाई बढ़ने पर अर्थात प्रत्येक पैमाना अपने पिछले पैमाने से 10 गुना बड़ा होता है, ठीक। सुन भैया, जैसे 9 से 10 हुआ माने 9 से 10 माने 10 गुना बड़ा, 6 से 7 हुआ माने 10 गुना बड़ा, ठीक। ये लघुगणक पर आधारित होता है, ठीक। इसे मात्रात्मक स्केल भी कहते हैं, समझ में आ रहा है। अगला लिखिएगा सेकंड स्केल, मर्केली स्केल। यह एक गुणात्मक स्केल है। जो भूकंप से हुए जान एवं माल की हानि को दर्शाता है। जो भूकंप से हुए जान एवं माल की हानि को दर्शाता है, लिखेगा। जबकि वर्तमान समय में भूकंप की
भूकंपी तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक प्रश्न आप लोग से, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप लोग तो बता ही दीजिएगा कि भूकंप विज्ञान, भूकंप का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, भूगोल की किस शाखा या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करते हैं या भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पुराना मर्केली स्केल है और वर्तमान समय जो चल रहा है वो कौन सा है, सिस्मोग्राफ। ठीक, आप इसका जवाब दीजिएगा और टेलीग्राम ऐप से जुड़िएगा। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आप सर्च करेगा दुर्गेश सर, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी हम आपको नोट्स को उपलब्ध करा देंगे। अगर आप, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है आप नोट साथ में बनाते हुए चलिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊपर जो मैंने बनाया है ये महासागर, ये महाद्वीप को दर्शाया मैंने। ठीक, ये महासागर है, ये महाद्वीप, कृष्णप्रित महाद्वीप महासागर पटा रही है, वही मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। आप फेसबुक पेज से इलेनी पे दुर्गेश से आप जुड़ सकते हैं और ये जीएस की ज्योग्राफी की वीडियो है जो लगातार क्रम में आगे बढ़ रही है और आगे आपको मिलती जा रही है। इस वीडियो लिंक को आप और साथियों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध है, अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। और फिर भी आप जुड़े या जुड़े इस वीडियो लिंक को अन्य साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों तक यह वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।